Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। ऐतिहासिक जीत के साथ नीरज लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि इस मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर ओलंपिक में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। अपने बेटे नीरज और पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम की इस जीत पर नीरज चोपड़ा की मां ने भी अपना रिएक्शन दिया है। सरोज देवी ने जो कहा उसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी उनके बयान की जमकर तारीफ हो रही है। नीरज की मां सरोज देवी ने कहा कि हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो सिल्वर भी गोल्ड के जैसा ही लग रहा है। जिस लड़के को गोल्ड मिला है वो भी हमारा ही लड़का है, बहुत मेहनत करता है। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बनने लग रहा है। गोल्ड उसके आ गया, वो भी हमारा लड़का है जी, मेहनत कर कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फुल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो दिनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में दूसरे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर जेवलिन थ्रो फेंका। वहीं तीसरे नंबर पर रहे ग्रेनडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर भाला फेंका। इस बीच पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर फेंका था, जो ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया।